हमीरपुर जिले की भी एक बेटी यूक्रेन में फंसी है, जो यूक्रेन के ताजा हालात से घबराई हुई है और अपने देश भारत आने के लिए बेचैन है। बता दें कि इस बेटी का 14 महीने पहले मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ था और अब वह एमबीबीएस सेकेंड ईयर की छात्रा है। इस बात की जानकारी आज तब हो सकी जब जिला प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू की। वहीं परिजनों ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वहाँ नेट की प्रॉब्लम है। मेरा नाम मुकेश कुमार है, बीडीएफ प्रतिष्ठा गुप्ता। उसे व्हाट्सएप पे कॉल होती है, वहाँ बेसमेंट में बच्चों को रोका जाता है रात में, दिन में तो रूम में आने दिया जाता है हॉस्टल में खाना वाना बनाने के लिए। वैसे एक दो दिन का उसके पास राशन बचा है, बस अब ख़त्म हो रहा है। इतना स्टाफ भी नहीं था, अब वहाँ मार्केट भी नहीं खुल रही है, कर्फ्यू है। कितने लोग होंगे उस हॉस्टल में? 500 बच्चे हैं लगभग। और क्या बात बताती है वहाँ की? अब वहाँ डर का माहौल है और दिन भर बम बम गिरने की आवाज़ें आती रहती हैं। जब आप लोग बात करते होंगे तो जाहिर सी बात है वो भावुक होगी, एक दूसरे को कैसे तसल्ली देते हैं, समझाते हैं सर? बताते हैं कि हिम्मत रखो, हमारी सरकार मदद करेगी और बस सरकार का ही सहारा है कि सरकार हमारी कुछ करेगी, बस हमारी। और इसे भी चाहिए आपको सीधे लिए चलते हैं गोरख।